हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, आपका AKTU सेशन 2021-22 स्टार्ट होने वाला है, और इसमें बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यहाँ पर आपको दूसरा नाम मिलेगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। CS ब्रांच में हमारा पढ़ा जाता है, और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हम इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो CS ब्रांच में इसको पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम ना होकर इसका नाम रखा गया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड होता है MKCS 303। इसको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, कुछ सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, वो आधे आधे बच्चों को उसको देता है। ठीक है, तो सेमेस्टर थ्री में जो उसका कोड होगा वो MKCS 303 होगा। और इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यास का अपडेटेड सिलेबस है, क्यास की वैल्यूएशन स्कीम है। ठीक है, और इसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक को लेकर हम क्या क्या सीखेंगे इस सेमेस्टर में, है ना, वो मैं डिस्कस करूँगा। किस किस ब्रांचेस में अब चलता है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ये सब्जेक्ट का नेम आपको पता लगी क्या, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या थ्योरी ऑफ लॉजिक इसका नाम है, और इसका सब्जेक्ट कोड होता है MKCS 303। CS की सभी ब्रांचेज में इसको पढ़ना होता है। ठीक है, और इसका सिलेबस, अगर कुछ बच्चे सिविल ब्रांच के होते हैं जो मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स थर्ड का जो सिलेबस है और ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये टोटली मैच करता है। ठीक है, क्योंकि सिविल ब्रांच के बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को, इसलिए इसको मैथमेटिक्स थर्ड में डाला गया है वहाँ पर। तो इसका सब्जेक्ट कोड MKCS 303 होगा, और इसके पांचों मॉड्यूल को मैं बताने वाला हूँ कि पांचों मॉड्यूल में हम इसमें क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल पर आते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ते हैं, इसमें तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं, सेट थ्योरी, फंक्शन, नेचुरल नंबर, जिसका बेसिक आपने इंटर में भी पढ़ रखा है, और मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 में भी हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है। फंक्शन वगैरह, सेट थ्योरी तो शायद नहीं पढ़ी, वो तो इंटर में पढ़ रखी है आपने, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़नी है। सेट थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, मल्टी सेट, ऑर्डर सेट क्या होता है, कुछ इनकी थ्योरम्स प्रूफ करेंगे, है ना। इसको अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या इसको प्योर मैथमेटिक्स भी कहते हैं, है ना। तो रिलेशन क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, रिक्रेसिव रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रिलेशन, ये सब चीज़ें हम सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। फंक्शन में हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, है ना, ग्रोथ ऑफ फंक्शन एट्सेट्रा, ये चीज़ें फंक्शन को लेकर पढ़ेंगे। फिर इसमें थर्ड होता है नेचुरल नंबर्स को लेकर, जिसमें हम मैथमेटिकली इंडक्शन मैथड पढ़ते हैं बेसिकली, है ना, जिसका काफ़ी यूज है, और कंट्रडिक्शन मैथड पढ़ते हैं। तो ये सब हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 2 पर आते हैं। मॉड्यूल 2 में हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को लेकर के, जिसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, या मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रांजी थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सब चीज़ें हम, रिंग फील्ड, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, यानी कि मॉड्यूल 2 यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें मॉड्यूल 3 यानी कि यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे लैटिस। लैटिस में हम बेसिकली जो है वो पढ़ते हैं लैटिस के बारे में, लैटिस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस, बाउंडेड कम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस, मॉडुलर लैटिस, कंप्लीट लैटिस, और बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन फंक्शन, कार्नोफ ग्राफ, लॉजिक गेट्स, डिस्क्रीट डिजिटल सर्किट एंड बूलियन अलजेब्रा, ये सब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है, जो कि हम मॉड्यूल 3 यानी कि यूनिट 3 में पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 4 की बात करते हैं। इसमें हम
प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रिडिकेट लॉजिक पढ़ते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम प्रोपोजिशन, वेल डिफाइंड फार्मूला, इसकी ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस, अलजेब्रा प्रोपोजिशन, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 4 में। ये काफ़ी इजी मॉड्यूल होता है और इसमें जो ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, है ना, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर के। वहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उसको कोई भी कर लेता है, इतना ईजी होता है मॉड्यूल 4 आपका। फिर मॉड्यूल 5 में होता है आपका ग्राफ थ्योरी, ठीक है। और ग्राफ थ्योरी में हम यहाँ पर तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ट्रीज़, ग्राफ्स और कॉम्बिनेट्रिक्स। ट्रीज़ में हम बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री, ट्रावर्सल। ग्राफ्स में हम टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, मल्टी ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ, प्लेनर ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह, आयलर एंड हैमिल्टोनियन पाथ, ग्राफ कलरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें आयलर थ्योरम भी होगी। और कॉम्बिनेट्रिक्स में हम इंट्रोडक्शन, काउंटिंग टेक्निक्स, बिगन होल प्रिंसिपल, ये मॉड्यूल 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस 5th मॉड्यूल को ग्राफ थ्योरी बोलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताऊं तो मेरा जो रिसर्च है वो ग्राफ थ्योरी और फजी ग्राफ थ्योरी में मेरी रिसर्च है PhD में, और यही मेरा रिसर्च फील्ड भी है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया ऐसे ही। तो ये हमारा जो है 5 मॉड्यूल का सिलेबस है, जो कि हम CS ब्रांच में पढ़ेंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल भी होता है, जो भी होगा वो तो आपको कॉलेज से पता लग जाएगा। मेरा मेन काम है यहाँ पर इस सिलेबस को बताना, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो से इसके लेक्चर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी मैं लेकर आऊँगा सेट थ्योरी का 1st जो है लेक्चर लेकर आऊँगा इसमें मैं। और इन सभी के, क्योंकि इस बार जो है ना, किसी के पास मैथमेटिक्स 3 है, किसी के पास मैथमेटिक्स 4 होगा, और ये तो हमारा CS ब्रांच में चलना ही है जो मैं बता रहा हूँ, तो इन सब की मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा। तो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर ही मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 आपको अच्छे से पड़ेगा। ऐसे तो आप वहाँ पर तो सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिक्स दिखाई देगी, लेकिन प्लेलिस्ट को यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ सिक्वेंस में होगा, सब कुछ डिटेल में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube।